क्या कोई ऐसा सुपर फूड हो सकता है जिसकी केवल 1 ग्राम मात्रा से ही आपको इतना न्यूट्रिशन मिल जाता है जितना 1 किलो फल या सब्जी खाने से मिलता है? ये सुपर फूड आपकी ओवरऑल हेल्थ को तो अच्छा करता ही करता है, आपको बीमारियों से बचाता है, किसी भी इन्फेक्शन को बार बार होने से रोकता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ में आपका वेट लॉस भी करता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में। ये सुपर फूड कौन सा है और कैसे इसको लेना चाहिए, वेट लॉस में किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, तो चलिए सारा जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। नासा के वैज्ञानिक एक ऐसा सुपर फूड खोज रहे थे जिसकी कम मात्रा से भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाए, क्योंकि उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। जब वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजते थे तो वहाँ पे क्या होता था, सीमित फूड होने की वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते थे तो उनके वजन में लगातार कमी आ जाना, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, बोन डेंसिटी कम हो जाना, मसल एट्रोफी होना, मसल लॉस हो जाना, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगते थे, वीकनेस बढ़ जाना, इम्यूनिटी लो हो जाना। तो अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए स्पेस में रुकते तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते थे। तो उनके लिए एक ऐसा सुपर फूड जो कि उन्हें प्राप्त न्यूट्रिशन दे सके कम खाने से ही, तो नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा एक सुपर फूड खोज निकाला जिसकी 1 ग्राम की मात्रा से ही उन्होंने पाया कि 1 किलो फल या सब्जी जितना न्यूट्रिशन मिल जाता है अगर आप 1 ग्राम की मात्रा खा लेते थे। और इस सुपर फूड का नाम क्या है वो आप जानना चाहेंगे? क्यों नहीं जानना चाहेंगे? इस सुपर फूड का नाम है स्पिरुलिना। आपने सही सुना, स्पिरुलिना क्या फूड है, ये कहाँ से पाया जाता है, वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा इसमें कौन कौन सी होती है, तो वो सारा अब डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो ये स्पिरुलिना है क्या? ये एक गहरे हरे रंग की काई होती है जो आपने पानी में देखी भी होगी। तो सबसे पहले ये ही धरती पर आई थी, इसी से वनस्पति का विकास हुआ है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन, प्रकाश और पानी की मदद से इसमें जीवन प्रारंभ हो जाता है और तभी इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एक जीवन के लिए जरूरी होते हैं। आपने देखा होगा ये पेड़ पौधे जो बने हैं वो एक काई से ही बने हैं, सबसे पहले काई ही इस दुनिया में आई थी। इसी को जो समुद्री जीव होते हैं वो काई भी खाते हैं, बहुत सारे जीव काई खाते हैं, जैसे कछुआ होता है वो इसी काई को खा के 300 साल तक जीवित रहता है। इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर 1 किलोग्राम ये काई कोई खा ले तो उसके अंदर 1000 फल खाने जितना न्यूट्रिएंट चला जाता है, इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट इस काई में होता है। इसके अंदर गाजर से 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, कैल्शियम की बात करें तो दूध से कम 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन की बात करें सोयाबीन से कम दुगना प्रोटीन होता है, आयरन की बात करें पालक से कम 50 गुना ज्यादा इसके अंदर आयरन होता है, क्लोरोफिल की मात्रा होती है जो हमारे खून को बढ़ाती है। तो न्यूट्रिएंट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि ये वेट लॉस में हमारी कैसे हेल्प करता है। देखिए, वेट लॉस में ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैलोरी ज़्यादा जलाने लगता है, अपनी एनर्जी के लिए वो कैलोरी यूज़ करने लगता है, जो खाना हम खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट ना करके उसका यूज़ कर लेता है एनर्जी में, जिससे हमारा फैट बर्न होता चला जाता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ तो फैट ऑटोमेटिक बर्न होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है, फेनिलएलनिन नाम का अमीनो एसिड होता है जो हमारे भूख को कंट्रोल करता है, हमें हमेशा भरा हुआ लगता है, कम खाना खाने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो इस तरीके से आप कम खा पाओगे और आपको भरा हुआ महसूस होगा, तो इस तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं। अब जैसे पौष्टिकता से भरपूर तो है ही, विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन B1, B2, B3 होता है, आयरन होता है, फोलेट होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है इसके अंदर, और जैसे कि मैंने बताया सेलेनियम होता है, जिंक होता है इसके अंदर, फास्फोरस होता है, इतने सारे विटामिन मिनरल्स इसमें भर भर के होते हैं। यही एकमात्र एक ऐसा फूड है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन होता है जिसको फाइकोसियानिन कहते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिससे हम बीमारियों से बच जाते हैं, मतलब बीमारियों के अगर कोई इन्फेक्शन हमें बार बार होता है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो ये इम्यूनिटी हमारी
तेज हो जाती है इस सुपर फूड को खाने की वजह से, और बार बार बीमार होने से हम बच सकते हैं। ये आंतों के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को अपने साथ में कंबाइन करता है और हमारी आंतों से बाहर निकाल देता है, यानी आंतों की सफाई हो जाती है। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट होने के लिए इसको एक सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसको लेना कैसे, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेना कैसे है, कहाँ से मिलेगा, ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं। ये कई जगह कंपनीज को बनाती है, टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाता है। अगर किसी रिलायबल कंपनी से आप ले रहे हैं तो आप अच्छी कंपनी से लीजिए, और इसके साथ में ही वहाँ पे बोतल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितने कैप्सूल है, कितनी टैबलेट आपको लेनी है एक दिन में। अगर आप पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं, पाउडर की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। आप किसी अच्छी कंपनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे 10 साल तक के बच्चे हैं तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा आप उनको दे सकते हैं। 1 ग्राम से लेकर शुरुआत करिए, धीरे धीरे बढ़ा के 2 ग्राम तक कर सकते हैं। 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप 2 से 4 ग्राम की मात्रा दे सकते हैं। अब 20 साल के ऊपर के लोग हैं, 50 साल तक के व्यक्ति हैं, उनको 3 ग्राम से शुरुआत करनी है और 5 ग्राम तक एक दिन में वो ले सकते हैं। अब जैसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी हमेशा वीक रहती है, उनको भी आप दे सकते हैं वही 2 से 4 ग्राम की मात्रा। अब आप इसको अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में तो पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो किसी स्मूदी में डाल के या पानी में मिला के, किसी जूस में मिला के, सैलड आप खा रहे हैं उसके ऊपर आप स्प्रेड करके भी खा सकते हैं, या अपनी सब्जी में भी ऊपर से डाल के आप खा सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से आप खा सकते हैं। खाना खाने के बाद खाइए या खाना खाने से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले भी आप इसको ले सकते हैं, एज ए फूड के तौर पे आपको इसको यूज कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके अंदर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, आपको फायदा ही फायदा करेगा, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट है या किन को नहीं लेना है, वो चीज़ आ जाती है। अब जैसे कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग कर देता है, तो ऐसे लोग जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनकी इम्यूनिटी उनके विरुद्ध काम कर रही है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी अपनी बॉडी को खाने लगती है, अपनी बॉडी को खराब करने लगती है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिनको है उनको ये नहीं लेना चाहिए। जैसे कि साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी जिनको होने लगती है, अगर हवा में जरा सी धूल में चले गए उनको छींके आने लगती है, उनको ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उनके विरुद्ध काम कर रही है। अब जिनको सोराइसिस की समस्या है, स्किन एलर्जी होती है, उनको भी ऑटोइम्यून डिजीज होता है, तो उनको ये चीज़ नहीं लेना चाहिए। और एक बार अगर लेना भी चाहते हैं तो अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है तो तब वो इसको ले सकते हैं। और लेना कितने दिन है, देखो 3 महीने तक आप इसको लगातार कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद 1 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए, और उसके बाद फिर से 3 महीने के लिए आप इस सुपर फूड को आप ले सकते हैं। और अपने अंदर जो भी बीमारी है, अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी कोई भी मतलब समस्या है, आप इस सुपर फूड को जरूर ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।